हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैम पार्टी अकेडमी आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के सेकेंड ईयर की वॉल्यूम uh, फर्स्ट जो है उसका चैप्टर वन देखेंगे वॉल्यूम फर्स्ट में चैप्टर वन जो हमारा है वह है डिजिटल स्टोरेज ऑक्सलोस्कोप इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन सबको हम कवर करेंगे जिसमें पहला टॉपिक है ऑपरेट द फ्रंट पैनल कंट्रोल ऑफ अ डिजिटल स्टोरेज ऑक्सलोस्कोप डी एस ओ के फ्रंट पैनल को कैसे ऑपरेट किया जाता है और कैसे उसे कंट्रोल किया जाता है मेन हम देखेंगे कैप्चरिंग अ सिग्नल शॉर्ट सिग्नल इंटरफेस द DSO टू एक्सटर्नल डिवाइस एंड फंक्शन जनरेटर यूजिंग 8038 सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे तो आज हमारा पहला जो टॉपिक्स है वो है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप में जिसे हम लोग शॉर्ट में DSO कहते हैं DSO सीआरओ का एक एडवांस रूप है मींस पहले सीआरओ था ठीक है जिसे हम लोग कहते थे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप और इसी का एडवांस रूप जो है वो डीएसओ है जिसे हम लोग डिजिटल स्टोरेज ऑक्सलोस्कोप कहते हैं तो सी आर ओ और डीएसओ में जो इतने डिफरेंस है इन सबको हम आगे देखेंगे लेकिन पहले जो हम देखते हैं ऑक्सलोस्कोप होता क्या है ऑक्सलोस्कोप वो होता है जिसमें हम लोग आ, जो भी हम लोग इनपुट देते हैं और आउटपुट में जो हमारा सिग्नल मिलता है उसे हम लोग साफ साफ हमारे जो फ्रंट पैनल होते हैं डीएसओ या सी आर ओ के उस पर हम लोग विजुअली देख सकते हैं विजुअल हो सकता है वो हमें एंड ऑक्सलोस्कोप दो प्रकार के होते हैं पहला तो एनालॉग एंड डिजिटल ठीक है एनालॉग में जो आते हैं वो होते हैं सीआरओ और डिजिटल में जो आते हैं जिसे हम लोग कहते हैं डीएसओ डीएसओ को जानने से पहले अच्छा होगा कि हम सीआरओ के बारे में जान लें अगर हम सीआरओ का फ्रंट पैनल अच्छे से जानेंगे तो डीएसओ के बारे में समझने में हमें बहुत ही आसानी होगी तो चलिए देखते हैं पहले सीआरओ का फ्रंट पैनल ये देखिए ये हमारा जो है वो सीआरओ का फ्रंट पैनल है और इसके बारे में हम देख लेते हैं एक बार कि सारे को फ्रंट पैनल में क्या क्या चीज़ें होती है इसमें एक एक, एक एक, स्क्रीन है और इसके लिए हमें एक एक्सेस एक, दिया हुआ और एक वाई एक्सेस है इन सब के हेल्प से हम कोई भी सर्किट जो डिज़ाइन करते हैं उसका क्या आउटपुट आया है उसका जो वेब फॉर्म वगैरह है फ्रीक्वेंसी है टाइम पर डिवीज़न निकालना ये सब चीज़ हम सीआरों की हेल्प से कर लेते हैं और निकाल लेते हैं उसका आउटपुट हमें साफ साफ सामने दिख जाता है स्क्रीन पे हमारा इसमें जो स्क्रीन है वो ये हमारा स्क्रीन है और इसको हम लोग एक्स एक्सेस बोलते हैं और ये वाई एक्सेस में आता है ठीक है स्क्रीन में हमारा ये जो होता है वो एक्स एक्सेस में आता है मीन्स ये एक्स लाइन होता है इसे जो हम लोग ग्राफ रहता है उसमें भी हम लोग देखते हैं ना एक्स एक्सेस होता है एक वाई एक्सेस होता है तो ये एक्स एक्सेस है और इसमें जो हमारा डिवीज़न होता है मतलब खंड है। तो उसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन खंड होते हैं इसको याद रखना है और y एक्स पे हमारा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट खंड होते हैं एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि y एक्स पे कितने डिवीजन होते हैं तो उसमें हमारा एट डिवीजन होगा और x एक्स पे हमारा टेन डिवीजन होगा एग्ज़ाम में हमेशा आता है लगभग लगभग बहुत सारे एग्ज़ाम में आया है कि कॉर्नर टू कॉर्नर कितना इसका मतलब एम एम mm होता है या कितना सेंटीमीटर में होता है तो ये हंड्रेड एम एम होता है और टेन सेंटीमीटर ठीक है एम एम में अगर पूछा तो आप हंड्रेड एम एम में टिक लगाइएगा और अगर सेंटीमीटर में पूछा गया तो टेन सेंटीमीटर में हमारा जो ये स्क्रीन रहता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरोसेंट ठीक है और ये स्क्रीन जो होता है वो फास्फोरस का बना हुआ होता है इस स्क्रीन की हेल्प से हमारा जो भी वेब फॉर्म है जो हमारे सर्किट के द्वारा जो डिज़ाइन किया गया है सर्किट उसका जो हमारा आउटपुट में वेव फॉर्म होता है वो इस स्क्रीन पे इस तरह से शो कर दिया जाता है और शो करता है जब हम इस सीआर को कनेक्ट करते हैं तो अब हम लोग देख लेते हैं इसके एक्स एक्सेस के बारे में ठीक है एक्स एक्सेस में जो होता है वो सिर्फ एक ही पोजिशन होता है लेकिन वाई एक्सेस में दो पोजिशन होता है ये देखिए दो पोजिशन क्यों दो पोजिशन दिया जाता है क्योंकि हम इसमें दो वेव फॉर्म को कंपेयर कर सकें और अच्छे तरीके से कंपेयर कर सकें इसलिए हमें यहाँ पे दो वेव फॉर्म के लिए दो पोजीशन दिया गया हुआ है वाई एक्सेस पे एक्स एक्सेस जो होता है उसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में देख लेते हैं देखिए सब उससे पहले हम लोग एक चीज़ और देखते हैं ये जो हमारा होता है ये ऑन ऑफ बटन के लिए होता है मीन्स अगर हम इसी बटन से ऑन भी, तो भी किया जाता है और ऑफ भी किया जाता है ऑन का मतलब अगर हम इस बटन को अगर प्रेस करें तो यहाँ एक एल लगा हुआ होगा वो रेड एल वो ग्लो करेगा मीन्स सी ऑन है और अगर उसी को हम लोग ऑफ कर दें और वो एल अगर ऑफ हो जाता है तो मतलब हम समझेंगे कि वो सी ऑफ है इंटेंसिटी मतलब इंटेंसिटी इंटेंसिटी का मतलब हम ये बोल सकते हैं ट्रेस किस चीज़ को ट्रेस करते हैं ना तो उसमें एक लाइनिंग आता है वगैरह उसको इंटेंसिटी बोलते हैं ठीक है थीके? इसको हम लोग डार्क कर सकते हैं कम कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं उसमें एक जैसे रेडियम होता है ना उसमें एक लाइन आ जाता है एक लाइटिंग लाइटनिंग आ जाती है उसी तरह स्क्रीन के यहाँ भी एक लाइटनिंग सा आ जाएगा इसको हम लोग कम कर सकते हैं ज़्यादा कर सकते हैं वो इंटेंसिटी से हम लोग कवर करते हैं फोकस मीन्स एक ऐसा बिंदु आएगा ठीक है वो फोकस बिंदु रहेगा आपको जहाँ पे फोकस करना है आप उस बिंदु को ले जाकर रख सकते हैं अगर आपको जैसे कि सपोज आप जीरो पे आप इसको फोकस करना चाहते हैं ठीक है तो यहाँ पे आप इस बिंदु को ला रख सकते हैं उसको भी आप डार्क कर सकते हैं उसको थोड़ा लो कर सकते हैं वो सारा मैनेजमेंट उसी फोकस जो पॉइंट रहता है ना उस पर होता है आप इसे कर सकते हैं ठीक है एक्स एक्सेस के बारे में अब हम लोग देख लेते हैं एक्स एक्सेस में जो होता है इसमें हम लोग टाइम डिसाइड करते हैं कि टाइम कैसे निकालना है ना वो सब एक्स एक्सेस पे डिसाइड होता है ठीक है मतलब कि जैसे हम लोग ने पढ़ा था एक्स एक्स पे कितना सारा डिवीज़न होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन डिवीज़न होता है और हर डिवीज़न में कितना टाइम होगा इसको हम लोग डिसाइड करते हैं इसको निकाला जाता है ठीक एक वेब फॉर्म की हेल्प से आप देख लीजिए सपोज़ यहाँ पे हमारा जो आउटपुट का वेब फॉर्म आया वो इस तरह से आया ठीक है ये वेब फॉर्म पूरा नहीं आ पा रहा यहाँ से ऐसा कट गया सपोज़ ठीक है ये वेब फॉर्म पूरा नहीं आ पाएगा तो उस वक्त हम क्या करते हैं टाइम पर डिवीज़न का मान को घटा देते हैं यहाँ पे टाइम पर डिवीज़न का मान दिया हुआ है जैसे पाँच सेकेंड दिया हुआ रहेगा दो दो सेकेंड एक सेकेंड फिर ज़ीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट वन फिर मिली सेकेंड इस तरह से हम लोग टाइम पर डिवीज़न का मान अगर हम लोग घटा देते हैं तो फिर हमारा क्या होगा जो वेब फॉर्म हमारा इसमें बनेगा वो हमारा वेब फॉम आप इसमें आप ले सकते हैं ये बन जाएगा और इस तरह से हम लोग ऐसे आ जाएगा ठीक है और हम लोग निकाल लेंगे फॉर्म बेफॉर्म कि कितना है ठीक है इसमें हम लोग फ्रिक्वेंसी भी निकाल सकते हैं क्यों इसलिए फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं क्योंकि हम लोग फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला जानते हैं ना एफ इजकल टू वन बाई टी तो टाइम पर डिवीज़न से हम लोग फ्रिक्वेंसी इजली काउंट कर सकते हैं इजली निकाल सकते हैं ठीक है अब हम लोग देख लेते हैं वाई एक्सेस के बारे में ये वाई एक्सेस है इसका दो पैनल दिया गया है वाई एक्स पे दो पैनल इसलिए ताकि हम लोग दो वेव को अच्छी तरीके से कंपेयर कर सकें वाई एक्सेस में क्या है कि जब स्क्रीन पर वर्टिकल लाइन पर जो वेब फॉम बनती है वो पूरी तरह नहीं आ पाती है ठीक है ये जो हमारा स्क्रीन है इस पर वर्टिकल लाइन पर बनने वाला वेब फॉर्म पूरी तरह नहीं आ पाएगा ये जो वेब फॉर्म है ना वो पूरी तरह स्क्रीन पर नहीं आ पाया तो आप निकाल पाएंगे क्या इसका जो भी चीज़ हम लोग को वोल्टेज निकालना है वो निकलेगा नहीं निकलेगा तो उस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे वोल्ट पर डिवीज़न का यूज़ करते हैं इसमें दो वोल्ट पर डिवीज़न है हम बताए थे ना दो वेव को कंपेयर करने के लिए दो वोल्ट पर डिवीज़न का यूज़ किया जाता है अगर हम लोग दो यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप डुअल डुअल लगा हुआ है इस जगह लिखा हुआ है इस डुअल का यूज कर सकते हैं कनेक्ट करके वायर को एंड ए सी डी सी दोनों इसमें कनेक्ट कर सकते हैं ग्राउंड इसके लिए भी अगर दो यूज़ कर रहे हैं तो दो पैनल को यूज करेंगे तो इसमें भी ए सी डी सी जाएगा जो भी आपको यूज करना है ग्राउंड के लिए भी दो दो यूज़ होगा ये वाई पोज के लिए है मतलब वाई एक्सेस के लिए है इसमें भी वही है इंटेंसिटी उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं उसके ट्रेस को और जो भी चीज़ रहता है उन सब चीज़ों को चैनल वन चैनल टू क्योंकि हम लोग दो ग्राफ का कंपेयर कर रहे हैं तो ये चैनल वन हो गया ये चैनल टू हो गया इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं अब हम लोग ये वोल्ट पर डिवीज़न आखिर होता क्या है वोल्ट पर डिवीज़न जो वाई एक्स पे जो हमारा बनने वाला ग्राफ है ये ग्राफ ये पूरी तरह से स्क्रीन पर नहीं आ पाता है तो उस ग्राफ को मैंटेन करने के लिए और उसका हम लोग वोल्टेज निकालने के लिए हम लोग वोल्ट पर डिवीज़न का यूज़ करते हैं जिस तरह की एक्स एक्स पे जो था हमारा था ना ये टाइम पर डिवीज़न और उसमें हमारा टाइम दिया हुआ था कम से ज़्यादा जो भी उसी तरह हमारा यहाँ वोल्टेज दिया हुआ है पाँच दो एक फिर इसमें भी मतलब सारा वोल्टेज बढ़ते जाता है और घटने का भी कम दिया हुआ है तो इससे क्या होगा कि अगर हम इसका डिवीज़न को घटाएं तो ये जो हमारा वेव जो हमारा स्क्रीन के बाहर आया हुआ वेव है वो हमारे स्क्रीन के अंदर आ जाएगा ऐसे कुछ आ जाएगा ठीक है तो हम लोग निकाल लेंगे इसे वोल्टेज क्या होगा और इससे हम लोग वोल्टेज निकालने का मतलब इसमें बहुत इजी तरीके से सीआरओ की हेल्प से बहुत कुछ इजी इजी तरीके से हम लोग सारे व्यक्म को कैलकुलेट कर सकते हैं उसके फ्रीक्वेंसी को, को उसके टाइम पर डिवीजन को उसके वोल्टेज को हर चीज को और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये जो वाई पे जो बनने वाला ग्राफ है ना ये जो ग्राफ बनता है वो वोल्टेज और टाइम के बीच में बनता है ठीक है वोल्टेज और टाइम के बीच में बनता है तो इससे हम फ्रिक्वेंसी भी नाप सकते हैं क्यों क्योंकि हम बताया था आपको एफ इजकल टू वन बाई टी और ये वोल्टेज और टाइम के बीच में बनता है तो जब हमारा टाइम दिया हुआ है तो फ्रिक्वेंसी निकल जाएगा ना फार्मूला है ना वो एफ इजकल टू वन बाई टी उसके हेल्प से हमारा फ्रिक्वेंसी भी निकल जाएगा तो हम लोग वोल्ट पर डिवीज़न की हेल्प से मतलब वाई एक्स से जो होता है हमारा हम लोग इसमें फ्रिक्वेंसी भी काउंट कर सकते हैं निकाल सकते हैं और एक जो हमारा ये ये पार्ट है इस पार्ट में क्या करते, है? करते हैं हम लोग सीआरओ को कनेक्ट करते हैं हम लोग सीआरओ को सिग्नल कैसे देंगे तो हम लोग सियारों को सिग्नल जो देते हैं वो सिग्नल जनरेटर की हेल्प से देते हैं ठीक है सिग्नल जनरेटर को कैसे इसे कनेक्ट किया जाएगा यहाँ आप आपको प्रोफ की हेल्प से प्रोप तो आप सेकेंड ईयर में हैं तो आप जान रहे होंगे प्रोफ क्या होता है रेड एंड ब्लैक और ब्लू बहुत सारे प्रोप होते हैं कलर होते हैं जो हर अलग अलग सेक्टर के लिए बटे हुए होते हैं कि रेड कहाँ लगाना है और ब्लैक कहाँ लगाना है इन सब चीज़ों में तो उस प्रोव की हेल्प के द्वारा हम सियारों को जो सिग्नल जनरेटर होता है उससे हम लोग सिग्नल देते हैं ठीक है और ये केबल जो होता है कोई भी केबल और वायर के द्वारा भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं बस कनेक्ट करने के लिए हम लोग को जिस वायर का जरूरत होता है उसको प्रूव करते हैं तो उसकी हेल्प से हम लोग इसको सारा इन सिग्नल देंगे और सिग्नल देने के बाद हमारे सीआरओ में जो भी सिग्नल आएगा जो भी सिग्नल आएगा उसको वो शो करेगा और उसको हम लोग काउंट कर लेंगे उससे हम लोग फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे टाइम डिवीजन निकाल लेंगे मतलब जो भी और वोल्टेज निकाल लेंगे टाइम ये सारा चीज जितने फार्मूला होते हैं ये सब हम आपको कवर कर देंगे आगे तो ठीक है अभी इसमें हमने यहाँ पे सीआरओ के बारे में सब कुछ देख लिया है इसके फ्रंट पैनल के बारे में और कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं आपको और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगी हमने अब तक तो सीआरओ के बारे में देखा है अब हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं फिगर ये सीआरओ है और ये है डी मतलब इसका द हेल्प ऑफ फिगर आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये रिएसो है और ये काफी इजी ऑपरेटिंग डिवाइस है और ये ना डायरेक्ट एनालॉग जो सिग्नल होते हैं उनको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं डिजिटल आउटपुट में जीरो वन के फॉर्म में क्योंकि ये स्टोरेज डिवाइस है तो सीआरओ स्टोर नहीं करता था किसी भी डेटा को लेकिन रीएसो जो है वो स्टोर करते हैं जो भी डेटा हम लोग आउटपुट में मिलता है जो हम लोग काम किए रहते हैं उन सबको ये स्टोर करते हैं ताकि बाद में हम इसकी हेल्प से अपना काम को आसान बना सकें तो डी एस के बारे में डिटेल में हम लोग आगे चैप्टर में देख लेंगे आगे जो हमारा टॉपिक्स है उन सबको कवर कर लेंगे तब तक के लिए थैंक यू सो मच